नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मी मीडिया न्यूज। वक्त हो गया है आज के ताजतरीन खबरों का। आज झारखंड के बोकारो पहुंचेंगे बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, जहां वे गिरिडीह लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी के नामांकन में होंगे शामिल। गुजरात में होने वाले लोकसभा चुनाव के तहत राज्य के 25 लोकसभा सीट और 5 विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए प्रचार थम गया है और कल यहां पर मतदान होगा, जहां चुनाव आयोग ने चुनाव से संबंधित सभी तैयारियां पूरी कर ली है। राज्य में गर्मी के प्रकोप को देखते हुए अलग से इसकी व्यवस्था की गई है कि कोई बीमार ना पड़े। उत्तर प्रदेश के इटावा में पीएम नरेंद्र मोदी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले भारत के लिए 25 साल का रास्ता बना रहा हूं। वहीं कांग्रेस के घोषणा पत्र वाले मुद्दे को उठाते हुए उन्होंने कहा कि मोदी रहे या ना रहे, देश रहेगा, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मोदी और योगी के बच्चे तो नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि हम आपके बच्चों के लिए खफ रहे हैं, आपके बच्चों के नाम विरासत लिखना चाहते हैं, गरीब का घर ही मोदी की विरासत है। बिहार के कुशीनगर में विदेश भेजने के नाम पर दर्जनों लोगों से फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है और उन्हें विदेश भेजने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी की गई है। पीड़ितों ने पुलिस को तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की है। मामला खुलने पर आरोपी अपने ऑफिस का बोर्ड हटाकर गायब हो गया है। दिल्ली के पब्लिक स्कूलों में 9वीं के छात्र के पिता ने दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर स्कूल की ओर से एसी चार्ज लिए जाने को हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। साथ ही कहा कि अकेला स्कूल मैनेजमेंट ही एसी का खर्च क्यों उठाए, अभिभावक को भी इसमें हिस्सा बांटना चाहिए। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेसी नेता चरणजीत सिंह चन्नी ने आतंकी हमले पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस तरह के हादसे केवल चुनाव के दौरान ही कराए जाते हैं। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए ये भी कहा कि ये सब चुनाव जीतने की चाल है। वहीं यह बयान देने के बाद पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी विवादों में घिर गए हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत वेमागिरी में जनता को संबोधित करेंगे और एनडीए उम्मीदवार की सफलता के लिए वोट मांगेंगे। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज मध्य प्रदेश के झाबुआ और रतलाम में कांग्रेस उम्मीदवार कांतिलाल भूरिया के समर्थन में एक आम सभा को संबोधित करेंगे। वहीं भाजपा की तरफ से आदिवासी अंचल में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में बंगाल की ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है, जहां हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया और इस पर आज सुनवाई होगी। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान से ठीक एक दिन पहले आज उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ शाहजहांपुर स्थित खुदागंज के नवादा मोड़ पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे, जहां योगी आदित्यनाथ लोकसभा के लिए भाजपा प्रत्याशी अरुण सागर के लिए वोट की अपील करेंगे। कांग्रेसी नेता राहुल गांधी आज झारखंड के दौरे पर जा रहे हैं, जहां वे बसिया में एक जनसभा को संबोधित कर यहां से उम्मीदवार को जिताने के लिए लोगों से अपील करेंगे और बीजेपी के नाकामियों को गिनाएंगे। तीसरे चरण के मतदान से पहले चुनाव आयोग ने आंध्र प्रदेश के डीजीपी केवी राजेंद्र नाथ रेड्डी को तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश दिया है। साथ ही राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि डीजीपी पोस्ट के लिए डीजी रैंक के 3 अफसरों का पैनल भेजा जाए। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के कारपोरल विक्की पहारे शनिवार को जम्मू कश्मीर के पुंछ में शहीद हो गए। वह 7 मई को अपने बेटे का जन्मदिन मनाने घर आने वाले थे, जहां छिंदवाड़ा के विक्की पहारे एयरफोर्स में कार्यरत थे। आतंकियों ने हमला कर दिया और इसमें वो बलिदान हो गए। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने लोकसभा में हिमाचल आपदा का मामला नहीं उठाया। वहीं सुक्खू ने ये भी कहा कि हमारी सरकार में सभी कर्मचारियों का एरियल क्लियर किया जा रहा है और वर्तमान में राज्य सरकार अब तक
7000 विधवाओं को उनके एरियर का भुगतान कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के मुख्य चुनाव अधिकारी पीके पोले ने कहा है कि प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही है। पिछले लंबे समय से युद्ध विराम की स्थिति बनी हुई है, जिससे मतदान संपन्न कराने में आसानी होगी। वहीं किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए भी सभी जरूरी इंतजाम कर लिए गए हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बोलपुर में चुनावी सभा के दौरान बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि अब संदेश खाली का सच सामने आ चुका है। मध्य प्रदेश के ठाणे जिले के एरोली इलाके में दूध के टेम्पो में 1.5 करोड़ रुपए ले जाया जा रहा था, जिसे जांच के दौरान पकड़ा गया और उसे जब्त कर लिया गया है। इस मामले की गहन छानबीन चुनाव आयोग की टीम द्वारा की जा रही है। वहीं स्थानीय पुलिस को इस रकम को ले जाने वाले शख्स ने बताया कि यह रकम द्वारकादास मंत्री बैंक की है, लेकिन उनके पास जरूरी दस्तावेज नहीं थे, इसलिए चुनाव आयोग की टीम और पुलिस ने इस रकम को जब्त कर लिया है और आगे की छानबीन की जा रही है। महुआ के कुलपहार एवं पनवाड़ी थाना क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में एवं जंगलों में आग लगने की घटना सामने आई है, जहां इस आग के कारण काफी खेतों के फसल नष्ट हो गए और ग्रामीणों को नुकसान हुआ है। वहीं अग्निशमन की टीम त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने में जुट गई। हरियाणा के अंबाला की बेटी को पंजाब में ससुराल वालों द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है, जहां विवाहिता ने ससुराल वालों पर मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने के साथ ही पति पर भी मारपीट का आरोप लगाया है, जिस आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पति सास ससुर के खिलाफ जाँच की जा रही है। उत्तराखंड में जंगल की आग अब डराने लगी है, जहां अल्मोड़ा में जंगल की आग का कहर मंदिरों तक पहुंच गया है। दूनागिरी मंदिर को अचानक आग के लपेटों ने घेर लिया और चारों तरफ से जंगल की आग मंदिर के बिल्कुल करीब पहुंच गया। वहीं आग को देखते हुए श्रद्धालुओं में भगदड़ मच गई और वे जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु टर्की ने कहा है कि झारखंड में आयोजित अपनी चुनाव सभाओं में केवल भ्रष्टाचार का नाम लेकर झारखंड के लोगों को डराने भड़काने और भटकाने से भाजपा को कोई चुनावी लाभ नहीं मिलने वाला है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी ऐसी कोशिशों को बंद कर देना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि झारखंड की जनता के साथ देश की जनता भी भाजपा को सत्ता से हटाने का मन बना चुकी है। छत्तीसगढ़ में राधिका खेरा ने इस्तीफा देने के बाद लगाया कांग्रेस पर बड़ा इल्जाम, कहा छत्तीसगढ़ कांग्रेस कार्यालय में मेरे साथ अभद्रता हुई, वहां पर धक्का मुक्की की गई, मुझे कमरे में बंद कर दिया गया, लेकिन मेरे साथ न्याय नहीं किया गया। मैं चीखती चिल्लाती रही, गुहार लगाती रही, छोटे से लेकर बड़े स्तर पर कांग्रेस के नेताओं तक गुहार लगाई, लेकिन कहीं से न्याय नहीं मिला। सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं मिला क्योंकि मैं रामलला का दर्शन करने अयोध्या गई थी। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों ने न्यूज को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज 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 वे भी न्यूज को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। तो ये थी आज की ताजातरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।